दिवाली पर कई तरह की मिठाइयाँ नमकीन बनती हैं, तो आज उन्हीं में से मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनने वाली नमकीन और कम मेहनत में बनने वाली नमकीन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हे गाइस, कुक अमेजिंग में आप सभी का स्वागत है। आज कुक अमेजिंग की किचन में बन रही है पोहे की नमकीन, बहुत ही अच्छी लगती है, चेवड़े की नमकीन भी बोलते हैं उसे, बहुत ईजिली बन जाती है। तो इसके लिए क्या है, आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स हो वो लीजिए और उनको आपको रोस्ट करना है, थोड़े से ऑयल में डाल के उसको फ्राई करना है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें लगभग 1.5 कप जितना मूंगफली का दाना डाल के अच्छे से इसको भून लिया है। जब तक अच्छी खुशबू नहीं आने लगती और कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपको अच्छे से भूनना है। उसके बाद स्लो फ्लेम पर, अच्छा ड्राई फ्रूट सारे आपको स्लो फ्लेम पर ही भूनने हैं। उसके बाद इसको निकालिए। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप जितना बादाम और उसको दो भाग में डिवाइड कर लिया। आप चाहो तो साबुत भी बादाम को फ्राई कर सकते हैं। इसको भी जब अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन सा हो जाए, तब इसको भी निकाल लेना है। और फिर आपको लेना है कैश्यूज। मैंने यहाँ पर दो टुकड़े में काजू को भी कट किया है। आप चाहो तो इसमें भी साबुत काजू डाल सकते हैं, अच्छा लगता है फ्लेवर साबुत काजू का भी। और इसको भी अच्छे से गोल्डन होने देना है, उसके बाद इसको भी निकाल लेना है। अच्छा, काजू भी हमने यहाँ पर 3/4 कप जितना लिया है और बढ़िया सा कलर आ जाए तो काजू को भी निकाल कर रख देना है। तेल मैंने बार बार नहीं लिया है, एक बार लिया था उसी में लगभग 2 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया था, उसी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ, भून रही हूँ। और इसी में मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये गरी लिया है और इसको स्लाइस में कट किया। आप छोटे स्लाइस बड़ी स्लाइस कर सकते हैं। इसको भी अच्छा सा कलर आने तक इसको भी फ्राई किया है और इसको भी निकाल लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर किशमिश भी डाल सकते हैं। इस नमकीन में किशमिश अच्छी लगती है लेकिन हमारे घर पर पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैंने नहीं डाली है। अब हम फ्राई करेंगे पोहे को। तो चेवड़े को फ्राई करने से पहले आपको तेल का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तेल परफेक्ट गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो चेवड़ा तुरंत जल जाएगा और बहुत कम गर्म रहेगा तो ये फूल कर इस तरह से फटाफट से ऊपर नहीं आएगा। तो एक अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए तेल का, आपको थोड़ा सा डालना है और फटाफट से अगर चेवड़ा ऊपर आ रहा है तो आपका परफेक्ट तेल गर्म है। इस टाइम आप तेल में सेक सकते हैं अपने चेवड़े को और किसी भी स्ट्रेनर में निकालिए, एक एक मुट्ठी डालिए और फटाफट वो ऊपर आएगा। और स्ट्रेनर में निकालिए जिससे क्या है एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर भी फैला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप बहुत ईजी है इसको भूनना, बहुत ईजिली भुन जाता है और सारी चीज़ों को भूनना ही है आपको और मिक्स करना है मसालों के साथ। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें मैंने भून के रखी हैं चेवड़े के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। चेवड़ा मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 किलो जितना लिया था और इसको अच्छे से सब कुछ डालने के बाद आप मसाला तैयार करेंगे। तो उसमें मैंने सेम पैन लिया पहले वाला, उसमें 1 छोटा चम्मच जितना हींग डाला है, उसमें 2 चम्मच जितना सौंफ डाला है। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए सौंफ ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर 20 से 25 पत्ते मैंने करी लीफ के डाल दिए हैं, 4 तक ग्रीन चिली कट करके डाली है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे कुरकुरे नहीं हो जाती सारी चीज़ें। तो बढ़िया से जब ये भुन जाएं तब इसमें मसाले जाएंगे। मसाले जब हम डालेंगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच जितना धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच जितना हम डालेंगे यहाँ पर चिली पाउडर। साथ में इसको थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए अमचूर पाउडर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना, और डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच जितना और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी पाउडर आपको थोड़ा बहुत कम लगे आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चा हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हल्दी की स्मेल आएगी, इसलिए आप गरम तवे पे मसाले डालेंगे और उसको थोड़ी देर चलाएंगे तो मसाले परफेक्टली भुन जाते हैं, कच्ची स्मेल निकल जाती है। और बचे हुए मसाले को जो भून के रखा है हमने, वो मसाले को हम डाल देंगे अपने चेवड़े वाले बर्तन में। जो बड़ा बर्तन आपको लेना है, जिस हिसाब से आप नमकीन बनाएंगे उसी हिसाब से आपको बर्तन लेना है। और इसको डालने के बाद इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो कच्ची से और स्पैचुला से भी आप मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप सबसे बेस्ट है हाथों से मिक्स कीजिए, बहुत अच्छा कलर आ जाता है। हल्का सा येलो कलर जो रहता है वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसमें अच्छे से हल्दी डालेंगे तो बहुत अच्छा येलो कलर आएगा।
और इसका देखिए परफेक्ट आ गया है। डेढ़ चम्मच जितना, अगर इतना बना रहे हैं तो डेढ़ चम्मच जितना अगर हल्दी डालते हैं और मिक्स करते हैं तो वो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, शाम के स्नैक्स के टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों की छोटी मोटी भूख में बहुत काम आने वाली है। अगर आपको ये नमकीन की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।